आप लोगों ने बेसिकली जो पहले पढ़े हैं ना सारी चीजें, ठीक है, वो डीएलडी के अंदर वो आप लोगों ने पढ़े हैं कॉम्बिनेशनल सर्किट्स। आप लोगों ने पढ़ा होगा मग्स वगैरह, डी मग वगैरह, मल्टीप्लेक्सर, डी मल्टीप्लेक्सर, ठीक है। तो ये वाली चीजें आपने पढ़ी होंगी। उसके अलावा इनकोडर डिकोडर वगैरह पढ़े होंगे। तो इन सबको हम जी सर, कहते हाँ इन सबको हम कहते हैं कॉम्बिनेशनल लॉजिक्स, ठीक है। तो ये डिफरेंट कंबाइन करके बिट्स को हम बनाते हैं, ठीक है। जैसे ये ऊपर डायग्राम बनी हुई है, हम इसमें मल्टीपल इनपुट्स लेते हैं और हमारे पास कुछ एक तो जो है वो आउटपुट आ रही होती है। तो ये मल्टीप्लेक्सर वगैरह इन सबको कहते हैं कॉम्बिनेशनल लॉजिक्स। और अब जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ये हमारे पास कहलाते हैं सिक्वेंशनल लॉजिक, ठीक है। जी सर, सिक्वेंशनल लॉजिक से मुराद क्या होता है कि द कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट्स हैव नो स्टोरेज एलिमेंट। यानी जो हमने वो कॉम्बिनेशनल लॉजिक्स पढ़े थे उनके अंदर स्टोरेज एलिमेंट नहीं होता था। मतलब हम क्या करते थे, इधर से इनपुट आई, उधर से आउटपुट दे दी, ठीक है। दरमियान में कोई ऐसी चीज नहीं थी जो उसको जी अपने पास सेव कर सके, स्टोर कर सके, ठीक है ना। तो जो बिल्कुल सिक्वेंशनल सर्किट हमने बनाने हैं ये बेसिकली ऐसे सर्किट्स होते हैं जिनके अंदर हमें चीज़ों को सेव करना होता है, स्टोर करना होता है। जैसे बहुत सारी ऐसे जगह पे हमें जरूरत पड़ती है सर्किट्स में कि जहाँ पे कोई बिट रिटेन करनी पड़ जाती है, ठीक है। तो इन तरह के सर्किट्स के अंदर जो है वो हम कैसे काम करते हैं, वो दो तरह से हमारे पास होते हैं। एक हम फ्लिप फ्लॉप कहते हैं, एक को लैचिस कहते हैं। तो देयर फॉर द कॉम्बिनेशनल सर्किट हैंडल ओनली इंस्टेंट आउट इनपुट, यानी जो फोरी इनपुट आई उसको उन्होंने हैंडल कर लिया और उसी तरह आउटपुट भी दे दी, ठीक है, लेकिन आउटपुट स्टोर नहीं हुई। तो अब हम कोई जी एब्सेंस ऑफ मेमोरी एलिमेंट रिस्ट्रिक्ट द यूज ऑफ द डिजिटल कॉम्बिनेशनल सर्किट टू सर्टेन द एप्लीकेशन एरिया। तो ये हमारे पास फिर एक इसके अंदर जो है वो रिस्ट्रिक्शंस आ गई। तो यूज ऑफ द मेमोरी एलिमेंट विच इज अ कैपेबल ऑफ स्टोरिंग द डिजिटल इनपुट्स एंड आउटपुट इज एन इम्पोर्टेंट फॉर प्रैक्टिकल सर्किट्स। तो ये हमारे लिए अहम था कि हम जब प्रैक्टिकल लाइफ में जाएं तो हमें बहुत सारी जगहों पे स्टोरेज की जरूरत पड़ेगी। तो एक हम ALU लेते हैं, ठीक है, विच परफॉर्म द अरिथमेटिक एंड लॉजिकल। आपको पता होगा हमारे यहाँ प्रोसेसर होता है, ठीक है ना। तो उस प्रोसेसर के जी दो पार्ट्स हैं, मतलब हिस्से हैं। एक को हम कंट्रोल यूनिट कहते हैं, ठीक है ना, और जी एक को हम ALU कहते हैं, जी अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। अब आप ओके देखें कि सर, हाँ जी जो अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट है उसका काम वाला क्या होता है कि उसने डिफरेंट नंबर्स को लेके उनको ऐड करना है, मल्टीप्लाई करना है, सबट्रैक्ट करना है ना, और या फिर बिल्कुल उनके लॉजिक्स करने हैं, मतलब उनको लेस देन, ग्रेटर देन वगैरह इस तरह के कंपैरिजन करने हैं। तो ये सारा काम ALU का होता है। अब ALU जब ये काम कर रहा होगा तो वो कैसे करेगा अगर वो अपनी उन नंबर्स को स्टोर ही नहीं करेगा। मतलब उसने 2 + 3 करना है, ठीक है, टू प्लस थ्री जी करना है, लेकिन 2 को वो कहीं स्टोर तो करेगा ना, 3 को भी कहीं स्टोर तो करेगा, और इसके बाद जो इसका आंसर आएगा 5 जी उसको भी वो जी कहीं ना कहीं रखेगा तो वो कर सकेगा। तो ये सारी चीजें करने के लिए उसको क्या जरूरत पड़ेगी, मेमोरी एलिमेंट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। जी बिल्कुल हाँ, तो वो कह रहा है कि ये उसने एग्जांपल दी कि हमारे पास क्या है, स्टोर द इनपुट्स अप्लाइड एट द इनपुट एंड ALU आउटपुट फ्रॉम द, तो कंसीडर एन ALU दैट परफॉर्म द एडिशन नंबर द कैन ऐड 2 नंबर्स। ये सारा मैंने आपको क्लियर कर दिया हुआ है, जी, बात थैंक यू सर ठीक है। जी। इसको नेक्स्ट आगे लेके चलते हैं इसको। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा सा देखें कि हमारे पास वो कह रहा है कि जब हम कर रहे होते हैं पैरेलल या सीरियल कन्वर्जन के अंदर पार्ट्स की, हम मल्टीप्लेक्सर में कन्वर्जन करते हैं सीरियल टू पैरेलल, पैरेलल टू सीरियल, या आपने डी मल्टीप्लेक्सर में पढ़ा होगा, ठीक है। तो इसके अंदर जब हम बिल्कुल कन्वर्जन कर रहे होते हैं तो मैरी एमरीमेंट्स यहाँ पे भी रिक्वायर्ड है कि जब आपने सीरियल को पैरेलल में करना है या पैरेलल को सीरियल में करना है तो यहाँ भी आपको मेमोरी एलिमेंट्स जो है वो स्टोर करने पड़ेंगे, क्योंकि आपने बाइट्स डाटा जो है उनको स्टोर करना होता है फॉर कन्वर्जन के अंदर। सीरियल इंफॉर्मेशन को स्टोर करना होता है, ठीक है, मेमोरी एलिमेंट के अंदर। डी मल्टीप्लेक्सर के अंदर आपने बैक टू पैरेलल जाना होता है। तो ये सारी और एग्जाम्पल्स हैं जो ये बताती हैं कि आपको सर्किट्स के दौरान मेमोरी की जरूरत क्यों पड़ती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जी देखें ठीक ऐसे डिजिटल सर्किट्स जहाँ से आप इसकी डेफिनेशन कर सकती हैं कि
ऐसे डिजिटल सर्किट दैट यूज द मेमोरी एलिमेंट्स फॉर देयर ऑपरेशन आर नोन एज सिक्वेंशनल सर्किट्स। डेफिनेशन क्लियर होगी कि वो जी वाले बिल्कुल एलिमेंट्स जो मेमोरी को क्या करते हैं, स्टोर कर अपने ऑपरेशंस के दौरान मेमोरी एलिमेंट्स को यूज करते हैं, उनको हम सिक्वेंशियल सर्किट्स कहते हैं। दे आर इम्प्लीमेंटेड बाय जी कंबाइनिंग द कॉम्बिनेशनल सर्किट्स विद द, आपको सिर्फ करना क्या है कि वही जो कॉम्बिनेशनल सर्किट्स आपने पहले बनाए हैं उनके साथ मेमोरी को ऐड कर देना है। ठीक है, तो जब मेमोरी ऐड हो जाएगी तो इट्स मीन कि अब वो सिक्वेंशनल सर्किट्स बन गए, अब वो डिजिटल सर्किट्स नहीं रहे या कॉम्बिनेशनल सर्किट्स नहीं रहे। तो ये दो तरह के होते हैं हमारे पास, ये मैं आपको पहले बताया, एक हमारे पास लैचेस होती हैं, एक हमारे पास फ्लिप फ्लॉप होते हैं। ठीक है, अब लैच क्या है और फ्लिप फ्लॉप क्या है, इसके दरम्यान डिफरेंस को क्लियर करते हैं। ठीक है, फिर हम आगे चलेंगे। तो लैच क्या है जी, लैच इज अ टेम्परेरी स्टोरेज डिवाइस दैट हैज टू स्टेबल स्टेट्स। ठीक है, लैच क्या है, ये हमारे पास जो है वो स्टोरेज डिवाइस है जो कि इसकी दो स्टेट्स होती हैं स्टेबल करने के लिए। ठीक है, स्टेबल करने के लिए मतलब अ लैच आउटपुट कैन चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अदर बाय अप्लाइंग द अप्रोप्रिएट इनपुट। मतलब हम इसकी आउटपुट को चेंज कर सकते हैं एक स्टेट से दूसरी स्टेट के अंदर। स्टेट से मुराद के या तो वो ऑन स्टेट है या ऑफ स्टेट है, ठीक है ना, दो स्टेट है। जी तो हम इसकी आउटपुट को अपनी मर्जी से ऑन से ऑफ में कर सकते हैं, ऑफ से ऑन में कर ऑन सकते में हैं। तो अ लैच जी नॉर्मली हैज टू इनपुट्स, द बाइनरी इनपुट कॉम्बिनेशन एट अ लैच इनपुट अलाउड लैच टू चेंज इट्स स्टेट। तो इसकी इनपुट कितनी होती है, दो इनपुट्स होती हैं, आपने याद रखना है। हैज टू इनपुट्स जी द बाइनरी इनपुट कॉम्बिनेशन। अब वो हमारे पास आपने ट्रू टेबल बनाया होगा बार बार, ठीक है, 0 1 और 1 0 जी वाला, ठीक है ना। बिल्कुल जी, हाँ जी, हाँ, तो ये उसमें क्या होता है कि 2 दफा 0, 2 दफा 1, जीरो जीरो और यहाँ जी, पे 1 0, ठीक है, और 1 1 और एक हमारे पास 1। सॉरी, ये लिखने में जरा इशू आ रहा है। ठीक है, तो कोई बात नहीं जी हाँ, 0 1 0 1 0 1 और 1 1, ये चार कॉम्बिनेशन ही बनते हैं जी ना। तो ये चार तरह की बिल्कुल हम इसको इनपुट जो है वो देते हैं, लेकिन इसके साथ हम एक और चीज ऐड करेंगे जो हमारे पास होगी आउटपुट क्यू और क्यू प्राइम। ठीक है, अब क्यू क्या है और जी क्यू प्राइम क्या है, तो जो भी क्यू होगा क्यू प्राइम उसका उल्ट होगा। मतलब अगर आउटपुट हमारे पास 1 आ रही है, ठीक है, टू मैं प्राइम जीरो तो क्यू प्राइम क्या आएगा हमारे पास, 0 आएगा। ये जीरो 1 मिनट, इसका मैं टेबल आपको दिखाता हूँ, कहीं बना हो नीचे, ये देखें। ठीक है, ये हम एक एस आर लैच के वाले से जो है वो बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखें, ये दो हमारे पास एस और आर, ये दो इनपुट हैं। ठीक है, इसको कहते जी हैं एस फॉर सेट। ठीक है, एस फॉर क्या है, सेट, और आर फॉर क्या है जी, रीसेट। ठीक है, सेट और रीसेट, ये दो हमारे पास जो है वो इसके आ रहे हैं इनपुट्स। ये दो कॉम्बिनेशन है, 0 0 0 1 और 1 0। ठीक है, अब ये क्यू क्या है हमारे पास, ये इसकी आउटपुट है। ठीक है, अब जी सर जब ये दोनों एस और आर दोनों 0 0 होंगे तो हम इनवैलिड स्टेट पे होते हैं। ये क्यों होते हैं ये मैं आपको बताता हूँ बाद में। ठीक है, जब हम जी 0 1 पे होंगे तो हमारे पास आउटपुट क्या होगी, 1 होगी। जब हम 1 0 पे होंगे तो आउटपुट क्या होगी, 0 होगी। जब हम 1 1 पे होंगे तो क्यू टी आता है। अब टी क्या है कि जो हमारे पास इस वक्त मौजूद होगा वही आ जाएगा, यानी जो इस वक्त स्टेट में है, जो पहली स्टेट की आउटपुट थी वही स्टेट की आउटपुट यहाँ पे आ जाएगी। नहीं बात समझ में आई, कि जो पिछली आउटपुट थी, जी ठीक है, जो पिछली आउटपुट थी वही आउटपुट रहेगी, चेंज नहीं होगी, क्योंकि ये क्यू टी है ना। ठीक है, अब आगे जो आना है वो आना है क्यू प्राइम। ठीक है, क्या आना है, क्यू प्राइम। तो सर, इनवैलिड ने तो रहना ही क्यों इनवैलिड है। प्राइम सर, ये मैं पूछने लगी थी कि ये जो लास्ट पे क्यू टी है, इसका मतलब आउटपुट जो थर्ड पे आई है, 1 0 के इक्वल 0 आई है, इसकी वो रहेगी? हाँ, यानी जहां पे भी वही आउटपुट आएगी जो पिछली आउटपुट थी पहले, मतलब वो इनक्री जी उसमें चेंज नहीं लेके आएगा, वो आउटपुट सेम रहेगी। इसलिए उसने इसको भी क्यू टी ही लिख दिया कि जो पिछली आउटपुट है वही रहेगी। ठीक है, इसको हम पढ़ते हैं, जी आगे एक एग्जाम्पल भी करेंगे तो आपको मजीद ये क्लियर हो जाएगा। जी सर अच्छा जी, ये आप देखें जरा,
वापस हम जाते हैं इसको थोड़ा सा ऊपर। यहाँ पे थे, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया, अब जो आपको बता रहा था कि क्यू हमारे पास 1 है तो क्यू प्राइम क्या आएगा, 0। एंड इट इज द जीरो है। लॉजिकली लो स्टेट व्हेन क्यू इज 0 एंड क्यू प्राइम इज 1, द लैच इज सेट टू अ सर्टेन स्टेट, इट रिटेन द स्टेट्स अनलेस इनपुट्स आर चेंज टू सेट द लैच टू अ न्यू स्टेट, दस द लैच इज मेमोरी एलिमेंट विच इज एबल टू रिटेन द इन्फॉर्मेशन। अब देखिए, जो बात आपको समझाई थी कि लैच या फ्लिप फ्लॉप या सिक्वेंशियल सर्किट हम क्यों बना रहे हैं, ताकि हम स्टेट को रिटेन कर सकें, हम कोई एलिमेंट ऐसा हो जिसको हम अपने पास स्टोर कर सकें। तो अब आपको वो क्यू टी वाली बात समझ में आई होगी कि वो यहाँ पे क्यू टी ही क्यों रहा, क्योंकि हम पिछली वाली स्टेट को सेव रखना चाह रहे हैं। समझ आ गई, जी ठीक है ना। तो अब हमारे जी पास जो सर, सबसे पहली चीज आ रही है वो आ रही है नैंड की गेट। नैंड गेट से हमने एक लैच बनाई है, ठीक है। अब वो लैच जो जी है वो हम कैसे बनाएंगे, उसका डायग्राम हमने बनानी है, ट्रुथ टेबल बनाना है, ये उसकी डायग्राम है, ठीक है। और नीचे ट्रुथ टेबल मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ, तो डायग्राम पे आते हैं। डायग्राम कैसे बनानी है और इसका सर्किट कैसे बनना है, ये देखिए आपके पास सामने डायग्राम बनी हुई है। आपने ऊपर ऐसे लिखना है इस तरह से, ठीक जी है, आर लिखना है। नहीं उसके बाद ये आपने जो है वो लाइन ड्रा करनी है, ये वाली, ये इसकी इनपुट हो जाएगी एक, ठीक है। और ये कौन सा जी गेट है नैंड गेट जी, ये आपने नैंड गेट लगाना है यहाँ पे, ठीक है। और इसी जी तरह फिर ठीक है। आर लिखना है, ये आर की इनपुट आ गई, और ये कौन सा गेट लगा हुआ है, नैंड गेट, ठीक है। क्योंकि नैंड हम, गेट हाँ, हम नैंड गेट से बना रहे हैं ना, तो नैंड गेट लगा के अब देखें यहाँ से इसकी इनपुट ये जा रही है, ठीक है, और ये इसकी इनपुट जा रही है। जी अब ये जो इनपुट है ये आगे, ये वाली जो इसकी आउटपुट आ रही है, ये वापस कहाँ जा रही है, ये इधर एस के अंदर, ठीक है। जी और जो अंदर यहाँ से आ रही है आउटपुट, वो वापस किधर आ रही है, आर के अंदर, हाँ ठीक है ना। जी तो ये आपने इसको जो है वो बनाने का एक दफा तरीका देख लेना है कि ये हमारे पास एस है, ये हमारे पास आर है, ठीक है। और यहाँ से हम ये एस की इनपुट, ये हमारे पास आर की, और यहाँ पे हमने लगा दिया एक नैंड गेट। जी ये अब इसकी आउटपुट जो होगी वो इधर आएगी यहाँ पे एज अ इनपुट के तौर पे, ठीक है। और यहाँ आर पे, में हाँ, आर में, और हम यहाँ पे दोबारा नैंड गेट लगाएंगे, और जो इसकी आउटपुट होगी वो वापस जाएगी यहाँ ऐसे, ठीक है। तो ये आपके जी पास क्यू कहलाएगा, और ये आपके पास जो है वो क्यू प्राइम कहलाएगा, प्राइम ठीक है जी। तो ये आपने क्या बनाया है, एक एस आर लैच बना ली। क्लियर होगी डायग्राम, समझ में आ गई, बना लेंगी। जी सर। हाँ जी, तो एस आर लैच क्या है जी, इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय कनेक्टिंग द टू नैंड गेट्स, ठीक है। द आउटपुट ऑफ द ईच नैंड गेट इज कनेक्टेड टू द इनपुट ऑफ एन अदर नैंड गेट। तो एक ही आउटपुट दूसरे की इनपुट बनाई जाती है, एंड द अनकनेक्टेड इनपुट्स ऑफ द टू नैंड गेट्स आर द एस एंड आर इनपुट्स, ठीक है। द आउटपुट ऑफ द टू नैंड गेट्स आर द क्यू एंड इट्स कम्प्लीमेंट ऑफ क्यू प्राइम, द सर्किट डायग्राम ऑफ, ये आपको दिखा दी गई है उसकी सर्किट डायग्राम। अब ये काम कैसे जी करती है, ठीक है, 0 देने पे क्या आएगा, 1 देने पे क्या आएगा, ठीक है, और 1 0 पे क्या आएगा, तो ये अब हमें ज़रा समझना है इसको, ठीक है। तो यहाँ पे देखें डायग्राम, मैं थोड़ा सा जूम कम कर देता हूँ ताकि हमें इसको समझना भी है, ठीक है, सही नज़र आ रहा है। जी सर अच्छा, अब यहाँ पे देखिए वो कह रहा है कि एस आर लैच के अंदर 2 इनपुट्स होंगी, देयरफॉर 4 कॉम्बिनेशन हम बना सकते हैं, ऐसे ही है ना, 2 इनपुट्स होंगी तो 4 कॉम्बिनेशन बिल्कुल बनेंगे, वो नीचे हमने ट्रुथ जी टेबल में देखा भी है। तो अगर हमारे पास एस भी 0 है और आर भी 0 है, क्या कर रहे हैं हम, यानी यहाँ पे एस जो इनपुट जा रही है वो भी 0 जा रही है यहाँ पे, ठीक है, और आर जो जी है वो और भी आर क्या जाए, भी 0 जा रही है। जीरो वो आपको जी याद होगा टेबल में क्या लिखा हुआ था, दोनों जब 0 0 थी, टेबल पे क्या इनवैलिड लिखा था, इनवैलिड इनवैलिड, सर इनवैलिड लिखा था, ठीक है। तो सर इनवैलिड जी हाँ, हाँ जी इनवैलिड क्यों आया है इसको मैं बाद में बताता हूँ। पहले आप देखो कि अगर हम एस को 0 रखें, क्या करें, एस को 0 एस रखें को जीरो
और आर को जी 1 रखें, ठीक है। बन हाँ जी, तो अब जी हम देखते हैं कि हमारे पास काम कैसे होगा। देखिए, 0 जब यहाँ से जाएगा, एस को यहाँ से जाएगा, यहाँ पे क्या है, 0, ठीक है ना। अब ये 0 ही चला गया यहाँ पे, ठीक है। और 0 किसके साथ टकराया जाएगा, नॉट के साथ, यानी नैंड के साथ। हाँ जी, तो वो चेंज हो तो गया अभी इस वक्त क्यू की वैल्यू क्या आएगी, 1। 1 आएगी, ठीक है। और ये 1 वैल्यू जब जाएगी कहाँ पे आएगी, यहाँ पे, ऐसे ही आर जब जी आर में यहाँ, आई। हाँ जी, यहाँ 1 आएगी, और यहाँ से आपके पास ये क्या जा रहा है, 1, ये 1 था ना आर का। तो आर जब 1 होगा तो नॉट के साथ यहाँ पे क्या आएगी वैल्यू, 0। जीरो और ये 0 कहाँ जाएगी, यहाँ पे, में ठीक है ना। और ये 0, और यहाँ पे ऑलरेडी क्या था आपके पास, 1। तो अब क्या होगा आपके पास, जरा इसके टेबल में जाके देखें, इसको हम नीचे लेके जीरो जाते वन हैं, टू वन आएगा। ठीक है। अब आप देखें जरा नीचे आए टेबल पे, ये देखें, अगर हम एस 0 दे रहे हैं और आर क्या दे रहे जी हैं, 1, तो आउटपुट क्या आ रही है, 1। तो ये वन समझ आ गई 1 कैसे है, जी सर। ठीक है ना। इसी तरह अगर हम उल्टा कर लेंगे, ठीक है, उल्टा करेंगे, यानी यहाँ पे अगर हम 1 रखेंगे और 0 रखेंगे, तो ऑटोमेटिकली आउटपुट भी हमारे पास क्या हो जाएगी, उल्टी उल्टी हो आ जाएगी। जाएगी। यानी यहाँ 1 कर देंगे, यहाँ 0 कर देंगे, तो वो उल्टा सारा रिएक्शन होगा। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, और सॉरी, यहाँ पे 0 आ जाएगा, नीचे और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो क्लियर हो गया। अब इसकी रीजंस भी हैं, मतलब उसको चलाना कैसे है लैच को, ठीक है, वो आप ये वाला जो टेबल बना हुआ है, मैं ये यहाँ से पढ़ रहा हूँ। कंसीडर जी दैट, बिल्कुल ठीक है, कंसीडर दैट आउटपुट क्यू एंड क्यू प्राइम हैव 1 एंड 0 लॉजिक स्टेट्स, ठीक है। मतलब क्यू के अंदर क्या है इस वक्त, 1, और उसके अंदर क्यू प्राइम के अंदर क्या होगा, 0, ठीक है। द सेट जी इनपुट एस इज इक्वल 0 एंड द सेट द आउटपुट क्यू टू 1। अब जब हम क्यू और क्यू प्राइम को क्या रख रहे हैं, क्यू 1 है और हमारे पास क्यू प्राइम 0 है, तो एस क्या होगा, 0, और क्यू एस द सेट्स द क्यू प्राइम टू 1 एंड द क्यू इनपुट आर इनपुट द टू गेट्स आर बोथ द लॉजिक 1, देयर फॉर द आउटपुट क्यू प्राइम इज सेट टू द 0। ये भी हमने चला के देख लिया हुआ ये सारा, ठीक है ना। तो कंसीडर दैट इनिशियली क्यू एंड क्यू प्राइम आउटपुट आर द लॉजिक स्टेट ऑफ 0 एंड 1 रिस्पेक्टिवली, द सेट इनपुट एस 0 द सेट आउटपुट क्यू टू 1 एंड द क्यू इनपुट एंड द आर इनपुट गेट्स टू आर द बोथ लॉजिक, देयर फॉर द आउटपुट इज सेट टू द 0। तो दस जी हमने यहाँ से क्या आइडेंटिफाई किया कि अगर हमारे पास एस 0 होगा और आर 1 होगा, तो क्यू हमारे पास 1 आएगा और आर क्यू प्राइम जो है वो 0 आएगा, यानी उल्टा काम होगा। यानी अगर यहाँ 0 होगा, ठीक है, तो क्यू क्या आएगा, 1। अगर जीरो यहाँ 1 होगा तो क्यू प्राइम क्या आएगा, 0, ठीक है। जी उल्टा कर लें, यहाँ 1 होगा तो इधर 0, यहाँ पे क्या आएगा, 0, और यहाँ क्या आएगा, 1। ये तो समझ में आ गए दोनों कॉम्बिनेशंस, ठीक है। अब वो जो जी इनवैलिड हुआ है उसकी रीजन क्या है, वो मैं आपको यहाँ पे क्लियर करता हूँ कि इनवैलिड स्टेट क्यों आई। क्योंकि अगर हम दोनों 0 कर देंगे, देखिए पॉसिबल ही नहीं है ना, मतलब इसको मैं थोड़ा सा अगर यहाँ पे ही आपको पहले समझाऊं, मैंने यहाँ पे भी 0 दे दिया, यानी एस भी 0 जी दे दिया, एस ने इसको क्या करना है, 1, क्योंकि एस ने जाना है यहाँ से 0 जाएगा जाएगा, और इधर नॉट गेट ने उसको क्या कर देना है, 1, 1 आ कर गया। दे अब आर को जी मैंने क्या दिया, 1, आर को, ओ सॉरी, आर को मैंने, दोनों को 0 देना है ना, आर को भी मैंने क्या दिया, जीरो जीरो आर को भी 0 दिया। जब हाँ आर यहाँ जी पे आएगा तो नॉट गेट उसको क्या करेगा, 1। वन अब देखें क्यू और क्यू प्राइम दोनों 1 कैसे हो सकते हैं, नहीं हो सकते ना, लॉजिकली गलत है, क्योंकि क्यू भी वही है और क्यू प्राइम भी 1 ही आ रहा है, तो ये पॉसिबल। जी अगर आप क्यू प्राइम को यहाँ पे दोबारा भेज भी देते हैं, यहाँ पे 1 चला गया, ठीक है, 1 जाएगा और आगे जाके यहाँ 0 कर देगा, ठीक है, और जब यहाँ का जी 1 यहाँ आएगा तो दोनों 0-0 हो जाएंगे। तो दोनों चक्रों में ये इनवैलिड हो रहा है, क्योंकि दोनों सेम नहीं हो सकते कभी भी। तो दोनों सेम नहीं हो सकते, इसलिए इनकी जो आउटपुट है वो क्या आएगी, इनवैलिड आएगी। क्लियर जी होगी बात। अच्छा, सर अब दोनों अगर 1-1 रखते हैं तो पिछली स्टेट ही क्यों रहती है, वो हमने समझना है लास्ट हमारे आज का ये
कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इसके बाद मैं इसको क्लोज कर दूंगा। और अभी आज हम चूंकि लेट भी हो गए, तो बाकी इंशाल्लाह फिर कल हम जो है बाकी स्टार्ट ऊप से करेंगे और फिर इन दोनों सब्जेक्ट्स को आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो सर जो थर्ड वाला बुक है वो उसका लेक्चर नहीं आज होगा? नहीं, अब 5:30 तक हमने क्लोज करना था ना, तो आज जरा स्टार्टिंग में ही हमें टाइम लग गया क्लास लेते लेते, तो कल इंशाल्लाह हम जी ठीक पूरे 4 बजे स्टार्ट कर लेंगे, तो आधे आधे घंटे बाद क्लास बंद कर दिया करें, ठीक है। है बेहतर। हाँ, तो आज ये दो जो है वो आप लोग सुन लेना लेक्चर, और आपको आइडिया भी हो जाएगा कल तक कि कैसे क्लास लेनी है, तो फिर इंशाल्लाह कल आधे आधे घंटे की तीनों क्लासेस हो जाएंगी। जी सर, सर अगर आपके कैंपस में आके मतलब आपके अदारे में आके लेना हो तो कोई इश्यू तो नहीं? नहीं, आप फिर एकेडमी आ जाए, फिर यही टाइम रखें, 3:30 का भी टाइम कर लें, तो उस टाइम पे आ जाए करें, ठीक। जी चलिए ठीक है। चलिए हाँ हम आपको बता देंगे ना कि वीक में 2 दिन या 3 दिन हम आपके पास आपके एकेडमी में आ जाया करेंगे, फिर आप हमसे मतलब जितना भी पीछे हुआ करेगा उसका प्रैक्टिकल वर्क आप करवा के देख लीजिएगा। चलें, ठीक है। जी अच्छा, यहाँ पे देखें, अगर हम एस को 1 रख लेते हैं और आर को भी 1 रखते हैं, तो क्या होता है, इनिशियली हमने क्या किया, क्यू एंड क्यू प्राइम आउटपुट्स आर एट 1 एंड 0 रिस्पेक्टिवली। स्टार्ट में हमारे पास क्यू और क्यू प्राइम जो है वो दोनों क्या आ रहे हैं, स्टार्ट में इनिशियल हमने इसको 1 से स्टार्ट किया और इसको किससे स्टार्ट किया, 0 से, ठीक है, जीरो से इसको 1 से स्टार्ट किया और इसको 0 से स्टार्ट किया, ये आपने जीरो याद याद रखना है, ठीक है। अब हम आते हैं जरा नीचे, और अच्छा, द इनपुट्स गेट 2, ठीक है, जो हमारे पास गेट 2 है उसकी इनपुट क्या होगी, क्यू एंड आर बोथ एट द लॉजिक 1, देयरफॉर द आउटपुट क्यू प्राइम इज सेट टू 0, द इनपुट ऑफ द गेट 1 एंड क्यू आर सेट आर 0 एंड 1 रिस्पेक्टफुली, देयरफॉर द आउटपुट इज सेट टू द 1। अब यहाँ पे आओ जरा वापस, हमने इसको क्या रखा था, Q1 है और ये क्या है, 0, और यहाँ जी पे ये भी 1 था, ये भी 1 था, दोनों 1 1 है ना। अच्छा, अब यहाँ से देखें, ये हमारे पास यहाँ से जाएगा और यहाँ पे आएगा, ऐसे ही है, तो ये जी 1 है बिल्कुल और ये 1 है, तो 1 और 1 दोनों क्या हुए, एंड सर, ये इनवैलिड है, इनवैलिड नहीं होंगे कि दोनों सेम हो गए? नहीं ये तो इनपुट है ना, आउटपुट थोड़ी है, ये जी इनपुट जा रही है ना, ये इनपुट 1 जा रही है और ये तो आर ये की, नॉन गेट, जी ठीक है, तो नॉन गेट के साथ तो वो जीरो हो जाएगा। मतलब यहाँ पे जब हम इसको लेके जाएंगे तो नैंड गेट क्या होता है, अगर हम 1 और 1 का एंड करें तो आंसर क्या आता है, 1 आता है, सर वन 1 और 1 का एंड करें तो क्या आएगा, 1, आता और अगर उसको नैंड कर दें तो क्या हो जाएगा, 0, यानी सर यहाँ पे क्या जीरो आया, 0, तो ये पहले ऑलरेडी इस पे क्या है, 0, ऑलरेडी 0 ही था ना, जीरो ठीक है, समझ आ गई बात। अच्छा, अब जी यही 0 हम लेके जी जा रहे हैं यहाँ पे, कहाँ लेके जा रहे हैं, यहाँ, ठीक है, तो जी यहाँ पे क्या गया, जी 0, यहाँ पे 0 है, और जी ये हमारे पास एस क्या है, 1, तो ये 1 वन है और ये क्या है, अब जीरो 1 और 0 का अगर हम नैंड करते हैं तो क्या आएगा, 0, क्योंकि सर 0 आएगा ना, और 0 जब आगे नैंड के साथ आएगा तो क्या हो जाएगा, 1, सर तो अब पहले क्या था यहाँ पे, 1, तो अब क्या आया, 1, कोई चेंज हुआ, जी नो सर तो मतलब जो पहले आउटपुट थी वही की वही सेम रही, तो समझ आ गई बात कि वो क्यों QT लिखा हुआ था, जी सर तो इसका जी, के मतलब, वो पिछली वैल्यू उन्होंने सेव करना इसीलिए उसकी पिछली वैल्यू की हाँ, वही जो रहेगी। उसमें पहले वैल्यू थी वो वही रही, ठीक है, हमने दोनों तरफ 1 1 दे के देख लिया, हमारी आउटपुट चेंज नहीं हुई, इट्स नहीं मीन के हमारे पास जो SR लैच है उसके 4 कम्बिनेशन में से 0 0 क्या हो जाता है, इनवैलिड, और वन इन्वेंटरी वन पे हमारी आउटपुट चेंज नहीं होती, और 0 1 पे हमारे पास जो आउटपुट आती है, अगर S0 और R1 रखेंगे तो 1 आएगा, S1 और R0 रखेंगे तो आउटपुट क्या आएगी, 0 आएगी, जीरो ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है सारा। SR लैच सर हमने मतलब सिक्वेंशियल सर्किट क्यों बनाते हैं ये पढ़ा, मेमोरी एलिमेंट ऐड करने के लिए, ठीक है, और एक हमने SR लैच जो है वो बना के देखी और उसका ट्रू टेबल भी बनाया, तो वो आपने कल तक इसकी एक दफा प्रैक्टिस कर लेनी है, मतलब डायग्राम खुद तीन बना के उसका ट्रू टेबल बना के
और इन रूल्स को अच्छे से जी पढ़ लेना है ताकि आपको सारा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, जी ठीक चलो ठीक। तो रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह मैं है, इसकी आपको भेज दूंगा शाम तक, ठीक है? तो फिर आप उनको देखो। जी ठीक, ओके, ओके सर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह।